हमारा YouTube चैनल फिर से आज के दिन पूरा रात घूम रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चेतगंज, जहाँ पे इस बार बना द्वारिका नगरी, जो कि पूरा का पूरा ऐसा थीम बनाया गया है पानी के अंदर का नजारा है। तो अभी तो हम लोग गली में है, अब चलते हैं पंडाल, आप लोगों को व्यू दिखाता हूं। वीडियो चले लाइक जरूर करें, एंड तक बने रहिए, ठीक है? तो आइए चलते हैं। का एंट्रेंस है पे लिखा मिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट सिटी द्वारिका अंडर वाटर, क्योंकि ये जो है सिटी अंडरग्राउंड है। तो कुछ दिन पहले मोदी जी गए थे यहाँ पे, तब हम लोग चलते हैं अंदर, इसलिए रास्ते से होते हुए दिखाते हैं हर एक व्यू। एंट्रेंस लेते हैं, सीहोर दिख गया, और पूरा जैसे फिश टनल बना था कुछ इस तरह से थीम बनाया गया, बट इसमें पानी नहीं, ऊपर मछली अटकाई नहीं है, तो लाइट के फोकस की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं। और अंदर का व्यू देख रहे हैं, पूरा पानी का लुक लाने के लिए प्लास्टिक लगाया गया है, कि प्लास्टिक में जैसे अगर आप लोग इधर से नॉर्मल देखें तो कुछ इस तरह से व्यू देखने वाला है, बट अगर ये प्लास्टिक से देखें तो ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर ये पूरा है। द्वारिका नगरी में इसी तरह से मूर्ति वगैरह पानी में डूबे हुए हैं, तो ऑक्टोपस भी है, इसी तरह पिछले साल के भी बनाया था, बहुत खतरनाक बनाया था। ऊपर देख रहे हैं स्कूबा डाइविंग करते हुए बंदा जा रहा है, और थीम इस तरह से कुछ, और दोनों साइड इस तरह से बनाया गया है देखने के लिए। ऑक्टोपस खो गया है यार, पूरा पूरा यहाँ देखो फिश वगैरह, पूरा अंडर वाटर जो व्यू रहता है ना, वो पूरा पूरा व्यू दिया गया है। कहना पड़ेगा यहाँ पे कम समय में तगड़ा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा मार्केट है, और मार्केट में ये पूरा बनाते हैं और बहुत कम समय में बनाते हैं। ये मोदी जी का व्यू देख रहे हैं, जब ये द्वारिका जो सिटी है जो खो गया है, जहाँ गए कृष्ण जी की जन्मभूमि है, तो वहाँ पे जब गए थे अंडरग्राउंड दर्शन करने पानी में, तो वो व्यू पूरा यहाँ पे है, वो व्यू दिखाया गया, और पूरा पूरा द्वारिका नगरी को दर्शाया गया है। आज देखो अनाउंसमेंट भी कराया कि पिछले साल भूमि तो बंगला बना था बहुत ज़्यादा भीड़ का, और यहाँ पे दुर्गा जी का मूर्ति नॉर्मल रहता है, मतलब रुका हुआ नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक नहीं रहता है। और यहाँ पे देखेंगे टर्टल, और बहुत हैवी में बनाए गए, पीओपी वगैरह से सारी चीज़ें बनाई गई है, देख रहे। और पूरा पूरा द्वारिका का थीम यहाँ था कि पिलर वगैरह भी जो देखेंगे पूरा ऐसा लगाया कि जैसे बहुत सालों से पानी में था, पूरा का पूरा काई लग गया है, उसी तरह से पूरा पिलर वगैरह। और यहाँ पे देख सकते हो स्टैचू, बुद्ध भगवान का स्टैचू है, और बहुत सारे ऐसे थीम दिए गए हैं पत्थर के, पूरे जैसे कि काई वगैरह लग गए, बहुत पुराने टाइम से पड़े हैं ये पत्थर, ऐसे दिखाया गया है। और इधर भी कुछ इसी तरह से थीम दिया गया, पूरा पूरा द्वारिका नगरी को दिखाया गया है इसने। एक चीज़ यार, बनाया तगड़ा थीम है, मतलब स्पेस पूरा मार्केट को कवर करके दो दिन के तीन दिन के अंदर ये पूरा पंडाल बना है, अब बना एक नंबर का पंडाल है। तो ये चलते हैं बाहर, ये देख रहे हैं मोदी जी वाला व्यू। यहाँ का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाए, क्योंकि पूरा पूरा थीम था, थीम बेस पे था, थीम बेस दिखा दिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग शिवपुर का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में शिवपुर और बागेश्वरी देवी सब आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।